संभल आपका शहर, आपके शहर की आवाज। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नारी उत्थान समिति संगठन ने हयात नगर के पाटलेश्वर मंदिर पर वृक्षारोपण किया। इस मौके पर अध्यक्ष सीमा आर्य ने मंदिर में तुलसी के पौधे लगाए और उनकी जानकारी देते हुए सभी लोगों को वृक्षारोपण करने की सलाह दी। पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। मैं नारी उत्थान समिति की अध्यक्षा सीमा आर्य बोल रही हूँ। आज पर्यावरण दिवस पर मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ। और आज हमने नारी उत्थान समिति की तरफ से तुलसी के पौधे लगाए हैं पातालेश्वर मंदिर पर। और तुलसी के बहुत एक औषधि है, जिसके लिए हमने इसी उससे उद्देश्य से तुलसी के पौधे लगाए हैं कि इनका सभी उपयोग कर सकें और वातावरण भी शुद्ध रहता है तुलसी के पौधों से। और आज जो कोरोना वायरस चल रहा है भारत के अंदर, उसमें भी लास्ट में भी काम आता है। तुलसी का काढ़ा बना के पिया जाता है, तुलसी भी लेते हैं और तुलसी शुभ मानी जाती है। तुलसी एक देवी है जो कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत पूजा जाता है उन्हें। और बस मैं यही चाहूँगी कि सभी आज एक पौधा ज़रूर लगाएं, चाहे अपने घर में लगाएं या मंदिर में लगाएं या कहीं भी जहां पौधा लगाने की सुविधा हो वहां लगाएं। सभी को आज एक पौधा लगाना है और हमें यहां का वातावरण शुद्ध करना है, पर्यावरण हरियाली बनाए रखनी है, जिससे कि हमारा देश सुरक्षित हो, सुरक्षित हो और सभी इसका लाभ उठा सकें। जिस तरह हरियाली हर जगह हरा भरा रखती है, वैसे ही हमारा जीवन भी हरा भरा रहे। इसी के साथ में सभी को एक साथ से एक बार फिर से पर्यावरण की शुभकामनाएं देती हूँ और अपनी मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ जो हमारा निरंतर हर नागरिक का समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जय हिंद, जय हिंद। इस जानलेवा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की जरूरत है, इसलिए हाथों को अच्छी तरह से धोएं और हाथों की सफाई का पूरा ध्यान रखें। संभल आपके शहर की इस पहल को शेयर करें।